सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से आपका नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock, 8 बज चुके हैं और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूं। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट्स है, चलते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और 8:15 को मुझे एग्जैक्टली घर से निकलना है, तभी जाके मैं प्रॉपर सही टाइम की ट्रेन पकड़ पाऊंगा। सो चलता हूं बिना किसी देरी के, बिना टाइम पास के फटाफट ब्रेकफास्ट करता हूं और सीधा निकलते हैं हम लोग CST के लिए और देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा, कैसा जाएगा, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं और जो भी रहेगा अपडेट आप लोग को ब्लॉग में मैं देता रहूंगा। फिलहाल चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। सो गाइस, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ पनवेल स्टेशन पे और चेक करें, मैं इस ट्रेन से आया था। एक्चुअली मुझे डर था कि पिछले संडे की तरह कोई ट्रेन कैंसिल ना हो जाए, और संडे को रश होता नहीं है, फिर भी मैं सेफ्टी सिक्योरिटी रीजन से पनवेल स्टेशन आ चुका हूँ और इस ट्रेन से आया। ये वाली ट्रेन जाएगी वडाला, वहाँ पे चेक करें 8:38 की वडाला लग गई है और इस प्लेटफॉर्म नंबर टू पे 8:45 की CST लगी है जो लास्ट संडे को कैंसिल हो गई थी। सो देखते हैं, अभी यहाँ पे आके सेफ्टी की वजह से मैं रुक गया हूँ। सो अगर यहाँ से ये वापस कैंसिल होती 8:45 वाली पिछले संडे की तरह, सो जो ट्रेन रहेगी नेक्स्ट CST के लिए वो लेके जाएंगे। फिलहाल तो ये वडाला के लिए तो इसमें जा नहीं सकते, तो वेट करता हूँ यहाँ पे और होपफुली कि ये ट्रेन कैंसिल ना हो 8:45 वाली, वरना बहुत डिले, बहुत लेट हो जाता है, यहाँ पे बैठना पड़ जाता है मेरे को 15-20 मिनट। तो चलता हूँ, वेट करता हूँ, बाकी माहौल चेक करें पनवेल स्टेशन का सब लोग। मेन ये बड़ा जंक्शन है गाइस, इसलिए यहाँ पे लोकल पैसेंजर्स प्लस जो एक्सप्रेस के पैसेंजर्स होते हैं सब लोग आते हैं। देखेंगे ट्रैवलर, एक्सप्रेस के ट्रैवलर है, इनके पास बैग वगैरह है। सो यहाँ पे है लोकल का प्लेटफॉर्म, उस साइड है 2 या 3 प्लेटफॉर्म है एक्सप्रेस के। सो चलता हूँ, वेट करता हूँ यहाँ पे, फिर ट्रेन आती है तो निकलता हूँ यहाँ से। सो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ CST और ये चेक करो, यहाँ पे टाटा की तरफ से मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया था। ये यहाँ पे आप बोर्ड बड़ा सा देख सकते हैं गेट, और यहाँ पे रनर्स आ रहे हैं, ये चेक करो, मैं आपको दिखाता हूँ। हर कोई यहाँ पे मेडल जर्सी पहन के रनिंग कर रहा है, ये देखो मैम की हालत ख़राब है भाग भाग के। सो हर किसी के पास मेडल वगैरह सब कुछ है, और देखो अंकल को चेक करो, उनके भी पास तो हर किसी को पार्टिसिपेट कर किया उन्होंने, इसलिए उनको मेडल्स मिल रहे हैं, ब्रॉन्ज मेडल। और सबके पास अपना अपना बैच है, सब लोग मैराथन रन कर रहे हैं। अच्छी बात है, सब चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट हम लोग को तो खैर पता ही नहीं था। जब ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, तो मुझे पता चल रहा है कि आज मैराथन था, और पता चल भी जाता तो क्या कर लेता, वैसे भी छुट्टी नहीं थी, सो कोई मतलब नहीं बनता है। सो चलते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। ये चेक करो यहाँ पे 300 मीटर सब कुछ लाइन से लगा है, रनिंग कर रहे हैं सब लोग। मैं निकलता हूँ अब, अपना जॉब ज्वाइन करता हूँ और मिलता हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। सो गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं इस वक्त हूँ मेरे स्टोर में, मेरे ऑफिस में पूमा में। आप चेक कर सकते हैं मेरी ID पूमा की, और ऐसा कुछ है मेरा स्टोर, आप चेक करें। ये है पूरा मेरा स्टोर जिसको मैं हैंडल करता हूँ, और ये है मेरा डेस्क जहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ पूरा डेस्क और ऑपरेट करता हूँ, बिकॉज मैं हूँ स्टोर सुपरवाइज़र। सो गाइस, ऐसा कुछ है मेरा ये पूरा स्टोर, आप चेक करें, यहाँ पे मेन डेस्क है मेरा, देन वहाँ पे मेन एंट्रेंस है सामने, फिर यहाँ पे आते ही आपको मिल जाएगा RTS सेक्शन, उसके बाद मोटर स्पोर्ट्स सेक्शन, और फिर आगे लाइफस्टाइल सेक्शन। सो ये चेक करें, लेफ्ट साइड में मोटर स्पोर्ट्स है, फिर यहाँ पे हुडी, जैकेट्स, फरारी के, BMW के, सब कुछ यहाँ पे अपेरल्स हैं, और ये सामने पूरा हमारा आ गया स्पोर्ट्स शूज़, कैजुअल शूज़ के सेक्शंस। यहाँ पे 2 रैक है मेंस का, और राइट वाला जो 2 रैक है वो है वुमेंस का, बाकी राइट साइड में वो सामने पूरा वुमेंस का सेक्शन है, RTS सेक्शन हो, कैजुअल सेक्शन हो, दोनों मिला के। और ऐसा कुछ है मेरा नॉर्मल बड़ा सा स्टोर, अच्छा खासा। सो बस यही है। सो गाइस, लंच करके हम लोग आ चुके हैं बाहर, और मेरे साथ है मेरा कलीग रियान भाई। सो अभी हम लोग है यहाँ पे पीछे साइड आए थे गली में, फ़ोटो शूट करना था थोड़ा बहुत, सो यहाँ पे अच्छा लोकेशन था, तो फ़ोटो शूट करके हो चुका है हम लोग का फिलहाल। और अभी 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, और संडे इसलिए काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है यहाँ पे मुंबई में। आप लोग का ये चेक करो, पब्लिक घर से निकली है घूमने फिरने के लिए, और हम लोग भी निकले थे फ़ोटो शूट करने के लिए। सो अब चलते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं थोड़ा, और फिर निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपना जो वर्क है वो काम करते हैं, फिर मिलता हूँ आप लोग से शाम को मैं। तो गाइस, मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस से, 8 बज रहा है फिलहाल, और ये चेक करें मेरे हाथ में 2 बड़े बैग पूमा के, बिकॉज मैंने पूमा से कुछ शॉपिंग की है, आपको घर चल के दिखाऊँगा। फिलहाल चलते हैं स्टेशन, वहाँ से ट्रेन लेता हूँ, देन निकलते हैं हम लोग।
यार गाइस घर पे आके फ्रेश हो चुका हूँ, हाथ मुंह धो लिया हूँ और यह आ चुका है हम लोग का डिनर। यहाँ पे है सोयाबीन की ड्राई सब्जी, बिकॉज सब लोग आज बाहर गए थे खाने के लिए, पूजा थी, सब जगह राम जी का पूजा पाठ चल रहा है, हवन चल रहा है, सो वहाँ पे गए थे मम्मी पापा। सो मेरा ही सिर्फ अकेले का खाना बना था तो मैं बोला प्रोटीन खाता हूँ आज, अपना सोयाबीन से प्रोटीन मिलेगा। सो ये सोयाबीन की सब्जी, यहाँ पे दूध और रोटी। सो चलता हूँ, ये फटाफट अपना जो डिनर है वो ख़त्म करता हूँ और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 10:30, 10:30 बज रहे हैं। खाना खा के आराम से फिर मैं आप लोग से मिलता हूँ और जो भी मैंने पूमा से शॉपिंग की है, क्या है क्या नहीं, मेरा शूज़ वगैरह सब कुछ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फिलहाल फटाफट ये डिनर फिनिश करके मैं मिलता हूँ आप लोग से। सो यार गाइस खाना पीना हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 11:30, 11:30 बज रहे हैं। रोज़ यार लेट हो जाता है, रोज़ सोचता हूँ ट्रेन में आते समय कि घर जाऊँगा, खाना खाऊँगा, तुरंत सो जाऊँगा 10:30 मैक्स टू मैक्स 11, लेकिन वापस 11:30 बज गए और अभी चलता हूँ। आपको फटाफट छोटा डिटेल में आपको दिखाता हूँ मैंने क्या खरीदा है पूमा से और क्या प्राइस है टोटल उसका। सो चेक करो, सबसे पहले आपको शूज़ दिखाता हूँ, मैंने जो शूज़ पहना था कल के व्लॉग में। सो ये है हमारा पूमा का ट्रिनिटी, इस शूज़ का नाम है ट्रिनिटी, ये चेक करो, अपना वाइट रेड एंड क्रीम कलर का है, ये जो वाइट नहीं है क्रीम कलर है इसमें। सो ये है हमारा ट्रिनिटी शूज़, मैं एक दिन पहना था इसलिए थोड़ा गंदा हो गया। सो ये हो गया शूज़ और इसकी MRP मैं आप लोग को बता दूँ, मैं दिखाता हूँ इसकी MRP। ये चेक करो, इसका नेम है ट्रिनिटी और इसकी प्राइस है 7999, 8000 का ये शूज़ है। और उसके साथ मैंने ये सॉक्स लिया है पूमा का, एक येलो कलर और एक ये ब्लू कलर। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 3 टी-शर्ट्स हैं, ये मेरा सबसे फेवरेट टी-शर्ट भाई, इतना पसंद आया ना मुझे ये टी-शर्ट। ये चेक करो, येलो कलर का है, इसमें ये पूमा लिखा है। सो ये एक हो गया येलो, देन ये थोड़ा ओवर साइज टी-शर्ट है ये वाला, इस पर भी पूमा स्पोर्ट्स वेयर फॉर एवर फास्टर पूमा, ब्लू कलर का है ओवर साइज का, और ये ब्लैक कलर का 18 का है पूमा 18, अपना विराट कोहली वाला एडिशन। यहाँ पे चेक करो, ये विराट कोहली का, अच्छा भाई हाँ, ये विराट कोहली का ऑटोग्राफ वाला पूमा, यहाँ पे पीछे भी लिखा है देखें 18। सो इसकी प्राइस मैं आप लोग को बता दूँ, ये है 2000 का, देन ये है टी शर्ट ओवर साइज वाला 2300 का, और ये येल्लो वाले की प्राइस है 1800। सो ओवरऑल टोटल जो मेरी शॉपिंग है 3 टी शर्ट्स शूज़ और सॉक्स के साथ, तो ये मुझे टोटल पड़ा 15000 का। ये थी मेरी 15000 की पूमा से शॉपिंग, और ये एक्चुअली मेरी शॉपिंग मैंने खुद से नहीं की है, ये हमारा यूनिफॉर्म है पूमा में, या कोई भी रिटेल कंपनी हो, आप अगर किसी भी रिटेल कंपनी के साथ किसी भी ब्रांड के साथ काम करोगे, फॉर एग्जांपल एडिडास, नाइकी, पूमा या जारा, कोई भी ब्रांड हो, ये सब ब्रांड के साथ आप काम करोगे, इनके स्टाफ या एम्प्लॉय रहोगे आप, तो इनका रूल है कि आप जिस ब्रांड के साथ काम करोगे उसी ब्रांड का क्लोथिंग पहन के आपको आना है। और क्योंकि ये पूमा ब्रांड है, इसमें कैजुअल्स वेयर आपको कंपलसरी, आप इसमें फॉर्मल पहन के नहीं आ सकते, भले ही आप शॉर्ट में आओ काम करने, जो टैंग होती है स्लीवलेस वाली टी शर्ट्स होती है वो पहन के आओ, लेकिन आपको पूमा का ब्रांड पहनना है और कैजुअल वेयर है, पूरा कम्प्लीटली कैजुअल वेयर। सो यही शूज़ मेरे को कल से पहन के जॉब पे जाना है, यही टी शर्ट्स मुझे तीनों पहन के जॉब पे जाना है, इसके अलावा मैं किसी और ब्रांड का शूज़ टी शर्ट नहीं पहन सकता। अभी तक मैं पहन रहा था नॉर्मली दूसरे ब्रांड का, लेकिन क्योंकि मेरा यूनिफॉर्म कोड नहीं आया था, मेरा ID कार्ड नहीं आया था, इस वजह से मुझे वो लोग अलाउ कर रहे थे। सो अब मेरे पास सब कुछ आ गया है, ID, यूनिफॉर्म, सब कुछ। सो अब प्रॉपरली मुझे ड्रेस करके ये पूमा के कपड़े पहन के ही जाने हैं जॉब पे। सो ऐसा कुछ सीनारियो है, ये थी मेरी कुछ 15000 की शॉपिंग पूमा से। और कैसा लगा आपको टी शर्ट, मेरा शूज़, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। बाकी और कुछ खास अपडेट है नहीं, कल सब लोग को छुट्टी है, कल है 22 जनवरी, राम मंदिर का ओपनिंग, राम मंदिर का उद्घाटन, और मुझे छुट्टी नहीं है, बिकॉज रिटेल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कोई भी हॉलीडे हो, फेस्टिवल हो, दिवाली, होली, गणपति, नवरात्रि, कुछ भी हो, आपको छुट्टी नहीं मिलती, बिकॉज रिटेल में एक ही सीन है, जब दूसरों की छुट्टी होती है तभी वो शॉपिंग करने बाहर आते हैं, बाहर निकलते हैं, शोरूम्स में जाते हैं। सो इस वजह से हमें वीकेंड्स में भी छुट्टी नहीं होती है। सो वीकेंड्स, फेस्टिवल सब हमें भूल जाना है अगर हम रिटेल में काम कर रहे हैं, और वीकडेज में एक दिन की छुट्टी मिलती है, बाकी पूरा 6 दिन काम रहता है। सो ऐसा कुछ चल रहा है अभी का लाइफ, आज की दिन भर की अपडेट है ये आप लोग के लिए। फिलहाल चलते हैं, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा,
और अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।